हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और भारत। तो अभी हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हुआ है। इसे वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी जॉनसन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, जर्मनी, आइसलैंड और नॉर्वे। तो अभी हाल ही में गुडनी जॉनसन आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसमें ऑप्शन सी आइसलैंड सही है। आइसलैंड की राजधानी रिग्जेविक है। इसमें और ऑप्शंस की बात करें तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिकसन हैं और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जर्मनी की राजधानी बर्न है और जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हर घर जल अभियान शुरू की गई? ऑप्शंस हैं वाराणसी, श्रावस्ती, बुंदेलखंड और झांसी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड ज़िले में हर घर जल अभियान शुरू किया गया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी बुंदेलखंड सही है। इस अभियान का मकसद हर घर तक पानी पहुंचाना है। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के पहले चरण में इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इससे महोबा, ललितपुर और झांसी में 14 लाख लोगों को लाभ होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी 1 जुलाई सही है। ये दिवस 1949 में भारत की संसद द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद ज़िले में एक कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार हैं। इसमें उत्तर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही है। इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा। ये अभियान राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई कोआला IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ऑस्ट्रेलियाई कोआला IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सम्मिलित है, तो इसमें ऑप्शन बी वल्नरेबल सही है। ऑस्ट्रेलिया में जांच के द्वारा वर्ष 2050 के तक कोआला को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, साउथ कोरिया और चाइना। तो अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव होने के कारण ईरान ने इंटरपोल की सहायता से ये वारंट जारी किया है। तो इसमें ऑप्शन ए ईरान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? ऑप्शंस हैं 109 रूट्स, 119, 139 और 149 रूट्स। तो रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए 109 रूट्स सही है। 109 रूट्स का मतलब है 109 जोड़ी रूट्स, जिसमें अप और डाउन दोनों शामिल हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, हांगकांग और रूस। अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से हांगकांग को प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी घोषणा माइक पोम्पियो ने की थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।